नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे पीछे यह तस्वीर देखिए, काफी संख्या में छात्र जो हैं वह राजधानी पटना के सड़क पर हैं। आपको हड़ताली बनाया हुआ है, तुम्हारा राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं, ये लोग हम लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं। हम लोगों का मगध यूनिवर्सिटी का सेशन इतना लेट चल रहा है, जिंदगी बर्बाद हो गया है। पाँच सालों से, पाँच साल में डिग्री नहीं मिल रहा है, छह साल में, तीन साल में जो मिल जाना चाहिए। हम लोग मगध विश्वविद्यालय में जो सत्र विलंब चल रहा है उसके सुधार के लिए राज्यपाल के सामने गुहार लगाने पहुंचे। जी बोलिए। तीन साल का डिग्री, छह साल क्या करे, उनको समझ में नहीं आई। गाँव में पूरा प्रेशर है। मगध यूनिवर्सिटी हाय हाय। क्या मैम? मैम 19 से 22 सेशन, अभी एक साल का भी रिजल्ट नहीं आया। हम लोग से नहीं करें, तुरंत लगले अब दिसंबर में फॉर्म आ रहा है, क्या भरेंगे बोलिए। हम लोग अब इसीलिए तो मांग कर रहे हैं कि हमारा सेशन कंप्लीट हो से टाइम पे। क्या मेरे माँ बाप सपना नहीं देख रहे? हम लोग सीजीएल का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, हम लोग नौकरी नहीं कर सकते हैं, हम लोग किस कष्ट में जी रहे हैं। सरकार के दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ ऊपर ऊपर दिखाई दे रही है। एक महीने में सरकार पलट जा रही है, मगर हम लोग का जिंदगी बर्बाद हो रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं हम कहना चाहते हैं कि 17-20 का भी क्लियर नहीं हुआ, 18-21 का, 19-22 का, 20-23 का, किसी का क्लियर नहीं हुआ, सबका पेंडिंग रिजल्ट में। 20-23 का तो अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, हम लोग का 5-5 वैकेंसी छूट गया है। मैडम हम लोग का इतनी सारी अभी वैकेंसी का अपॉर्चुनिटी आया हुआ है, सारा छूट जा रहा है, सिर्फ ग्रेजुएशन के डिग्री के लिए हम लोग सारे जिसे अनएलिजिबल हैं। हम लोग 20-23 सेशन का स्टूडेंट है, हम लोग एक सपना लेकर आए थे कि हम लोग का मतलब सीडीएस ज्वाइन करेंगे, उसका मिनिमम 24 ईयर होता है। अब मेरा 20 ईयर हो गया है। मार रहा है निश्चित तौर पे दिन है राजधानी पटना की, जहाँ देखिए किस तरह से जो है, हम लोग 17 से 20 के सेशन के लड़कियाँ हैं, हम लोग का रिजल्ट क्लियर नहीं है अभी तक, हम लोग का सेशन कम्प्लीट नहीं हुआ है, हम लोग अपने रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या सरकार से यही मांग है कि हम लोग का रिजल्ट क्लियर करें, या तो एग्जाम ले और रिजल्ट क्लियर करें, हम लोग का सेशन कंप्लीट करें टाइम पे। सत्ती को लेकर जो है, जो छात्र है मगध यूनिवर्सिटी के, वह प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों से लिखा हुआ है कि बिहार में दिखा है, अब पूरा देश में दिखेगा, 3 साल का स्नातक 6 साल कैसे पूरा किया जाएगा। और हाथ में तस्वीर लेकर के जो है राज्यपाल से ये लोग मिलने जा रहा है। आपको बताते चले कि पुलिस प्रशासन द्वारा इन्हें रोकने की कोशिश भी की जा रही है, फिर भी छात्र जो है वह रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि भविष्य का सवाल है और अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाहते हैं। और इसको लेकर छात्र जो है वह सड़क पर है। जी हमारी मांग है कि हमारा रिजल्ट, 3 साल का डिग्री 3 साल में कंप्लीट किया जाए, यहाँ 6 साल में मगध यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आ रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है और सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम 2 महीना पहले यहाँ आए थे और 2 महीना बाद आज फिर आए हैं, लेकिन 2 महीने में कोई सुधार नहीं हुआ है। हमें समझ नहीं आ रहा प्रशासन क्या चाह रही है, हमें क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं, हम कोई आतंकवादी है, हम स्टूडेंट्स हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षा में काफी सुधार हुआ, कोई सुधार नहीं हुआ है, सरकार शिक्षा का स्तर दिन पर दिन और गिरता जा रहा है। हम लोग राजभवन जा रहे हैं राज्यपाल, मैं नहीं मानती इस बात को, क्योंकि इन बच्चों का कई सालों से जो सत्र विलंब से चल रहा है, और ये छात्र, इनमें से कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने प्रतियोगिता परीक्षाएं पास कर चुके हैं, लेकिन डिग्री नहीं होने की वजह से ये नौकरी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर कि जल्द से जल्द इनको डिग्री दी जाए, राज्यपाल से मिलने राजभवन जा रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि राज्यपाल फागू चौहान की तबीयत नासाज होने के कारण उन्हें दिल्ली एयर एम्बुलेंस द्वारा ले जाया गया है, और फिलहाल मगध यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वह सड़क पर हैं और अपनी भविष्य की लड़ाई जो है सड़क पर लड़ रहे हैं, और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो 3 साल में ग्रेजुएशन पूरा किया जाता है, 6 साल कैसे हो रहा है, सरकार से जो छात्र हैं वो जवाब मांग रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, और हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के जो है सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और साफ तौर से आप देख रहे होंगे कि सभी छात्रों के हाथ में जो है तख्ती है, और प्रशासन भी समझाने की कोशिश में कर रहे हैं, ताकि जो पूरे प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं इसमें अनियमितता बरती जा रही है, इसे जो है शांतिपूर्वक भी किया जा सकता है, पुलिस प्रशासन का भी कहना है, लेकिन छात्रों के भविष्य का सवाल है, छात्र मानने को तैयार नहीं, क्योंकि 3 साल का
का जो सेशन होता है वह 6 साल में भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में छात्र हैं और रुक होकर सड़क पर है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आता है, वो भी हम आप तक साझा करेंगे। इस तरह बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ मॉनिटर के साथ। धन्यवाद।